बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब भट्ट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलाल ब्लॉग। तो आज हम इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे एसी के आउटडोर के ऊपर, जो इन्वर्टर एसी का आउटडोर किस तरह वाश किया जाता है, क्या एहतियातें की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा मुख्तसर के वक्त में। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल के साथ नए तो सब्सक्राइब कीजिए जी। जी सबसे पहले तो एहतियात जो भी है मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो मैं आउटडोर सर्विस करने की वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप इंडोर सर्विस करने की पूरी वीडियो देखना चाहते तो मेरा चैनल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ से ये भी पता चलेगा कि इंडोर किस तरह वाश किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला आउटडोर की सर्विस की तरफ। तो सबसे पहले तो ये होता है भी इसे सर्विस करने से पहले ये स्क्रू लगे होते हैं इन्वर्टर एसी के, ये खोलने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये ओपन करके तो फिर इसे मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये स्क्रू हमारे खुल चुके हैं, दो आगे की तरफ होते हैं, दो पीछे की तरफ होते हैं, फिर ये कवर ओपन हो जाता है। ये देखो, अगर ये आप खुद करना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से ये सर्विस आप कर सकते हैं। अगर ये देखें जैसे ये स्टैंड के ऊपर एसी लगा हुआ है तो नीचे वाली जगह ऊपर से आप आसानी से खोल के सर्विस करते हैं। बाद एसी ऐसे होते हैं जो नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं, वो इससे भी ज़्यादा ईजी होते हैं सर्विस करने के लिए। तो अगर बहुत ऊंची जगह पर आउटडोर लगाओ जिधर ये कवर वगैरह खोलना मुश्किल हो तो फिर आपको ये खोलने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन अभी ये नीचे पड़ा है, इसका खोलने की सहूलत भी मौजूद है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये बताता हूँ भी ये सर्विस किस तरह किया जाएगा, कौन सी एहतियात की जाएगी। ये कवर हमने ओपन कर लिया है, ये देखें। तो सबसे पहले इन्वर्टर एसी में ये होता है भाई, आपने सर्विस करने से पहले ये पीसी बोर्ड होता है इसे कवर करना होता है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, नमी वगैरह ना जाए, जिस वजह से ये आपकी किट ख़राब ना हो। अगर किट ख़राब हो जाए तो फिर मसला बनता है, क्योंकि किट बहुत ज़्यादा महंगी होती है इन्वर्टर एसी की सिंपल एसी के निस्बत, क्योंकि सिंपल एसी में यहाँ किट वगैरह नहीं होती। अगर आप सिंपल एसी जैसे मर्जी धोएँ तो वो ख़राब होने का अंदेशा नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप इन्वर्टर एसी सर्विस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए भी, ये वाली जो पीसी बोर्ड किट है इसे आप शापर के साथ कवर करें। कवर करने के बाद फिर ये जो जाली है पीछे वाली, ये जालियाँ नज़र आ रही है इसे आउटडोर की जालियाँ कहते हैं, इसे आप वाश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो आउटडोर वाश हो जाएगा। लेकिन मैं सारा तरीका आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको पता चले, ताकि आपने किस तरह इसकी इन्वर्टर एसी की आउटडोर की किट को सेफ करना है और किस तरह आपने इसको सर्विस करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी चल जाए तो फिर मसला बनता है जी। ये देखिए जी, मैंने पीसी बोर्ड किट को अच्छे तरीके से बड़े से शापर के साथ कवर कर दिया। ये देखें, इस तरफ भी देखें और ये ऊपर से देखेंगे आप, ये देखें ये पूरा कनेक्शन वगैरह जहाँ से वायरें आ रही थी, जो भी पीसी बोर्ड नज़र आ रहा था वो पूरा मैंने कवर कर दिया। कवर करने से यह फ़ायदा होता है, अगर आपने पानी सर्विस करते वक्त अगर इधर नमी वगैरह आ भी जाए तो इस शापर की वजह से किट के अंदर नहीं जाएगी, आपकी किट महफूज हो जाएगी, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है भी, अगर आप ये चीज़ें ना खोलना चाहें तो फिर भी बेहतर है। तो इससे ये होगा भी आपकी जो ऊपर वाला कवर जो हमने खोला ये नहीं खोलेंगे तो ये शापर वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप वैसे ही इसे वाश कर सकते हैं तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अगर कोई खोल के वाश करना चाहे तो मैंने ये भी तरीका बता दिया है, अगर खोल के नहीं वाश करना चाहे तो मैंने वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ तरीका शेयर किया है। तो इसको किसके साथ वाश करना चाहिए मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बताता हूँ भी इसको कैसे वाश करना चाहिए जी। एसी को वाश करने के लिए इस गन का यूज़ भी होता है, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से जो सा ना पानी को आप संभाल नहीं पाएंगे तो इधर उधर चीटें ज़्यादा जाएंगी, तो जिसकी वजह से ये प्रेशर का जो सा ना पानी संभालने के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस गन का। अगर आप इस ऐसे पाइप के साथ वाश करेंगे इसके लिए इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आउटडोर के अंदर जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा जमी नहीं होती, इसलिए नहीं जमी होती क्योंकि इसके अंदर नमी नहीं होती, ये गर्म हवा फेंकते तो इसकी मिट्टी खुश्क होती है, जिस वजह से जौन सा इसका जौन सा ना इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह जमती नहीं। तो आप इसे हल्के से पानी के साथ भी वाश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये वाश हो जाएगा, राम राम से करेंगे, इससे ये होगा भी आपकी आउटडोर की किट महफूज रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो इन्वर्टर एसी की बात करें हम तो ये इस तरह वाश किया जाता है। अगर हम सिंपल एसी की बात करें तो वो वाश करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, पीसी बोर्ड नहीं लगा होता, सीधा नीचे कंप्रेसर लगा होता है, कैपेसिटर वगैरह होता है, तो उन चीज़ों के अंदर अगर पानी चला भी जाए तो वो खुश्क हो जाता है, उसका इतना नुकसान नहीं होता। तो ये पीसी बोर्ड किट होती है, इसे इन्वर्टर एसी की सेफ करनी पड़ती है शापर लगाने के लिए। सिंपल एसी में आप जिस तरह मर्जी आप इसे वाश करें, पीछे से पानी लगाएँ, आगे से लगाएँ, ये
ऊपर से अगर आप ये कवर खोल भी लेंगे तो आप पानी इजीली जहां भी आप लगाना चाहे इस जालियों में आसानी से लगा लें। यहां जो कंप्रेसर वगैरह और कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं तो आप उधर पानी ना लगाएं, अगर चला भी जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, वो खुश्क हो जाता है, फिर उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अब प्रॉब्लम आती है तो इन्वर्टर इसी के अंदर आती है वाश करने के वक्त, आप ये भी सेफ़ कर लेंगे तो आपको ये भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर एसी को साफ़ करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, आम प्रेशर के साथ ही इसे आप वाश कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छे तरीके से वाश हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ भी आम प्रेशर के साथ किस तरह वाश किया जाता है। ये देखिए इस तरह वाश किया जाता है, आउटडोर इतना ही प्रेशर बहुत होता है आउटडोर को वाश करने के लिए जितना ये है, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो आप किट ख़राब कर बैठेंगे। तो इतने में ही ये वाश हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मट्टी जमी नहीं होती, ऊपर से पानी फेंकेंगे नीचे खुद को खुद जाएगा या सारी मट्टी निकल जाएगी। आप सर्फ लगाना चाहे सर्फ लगा लें, अगर आप सर्फ ना भी लगाएं तो फिर भी ये आपका एसी अच्छे तरीके से वाश हो जाएगा। ये आगे से कर लें, ऊपर से जो मैंने बताया आप इस साइड से भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखें इस तरह आप वाश कर सकते हैं। आप ऊपर पानी लगाएंगे नीचे आएगा, नीचे गिरेगा सारी मट्टी निकल जाएगी, ये देखें इसी तरह। और पीछे की तरफ आप वाश करें तो आप पीछे भी इस तरह कर सकते हैं, ये देखें, ये देखें इस तरह आप वाश कर सकते हैं इसको। तो ये तो होता है बहुत आसान तरीका इसको सर्विस करने का। इसको आप बॉडी को इस तरह सैडो पे आप सर्विस कर लें, सर्फ लगा लें। तो अगर ये पानी लगाते वक्त इधर पानी आ भी जाए तो शापर लगा हो तो इन्वर्टर इसी को कुछ नहीं होता। जी इस तरह वाश किया जाता है, वो सामने इसका कवर पड़ा, आप इसे भी वाश करके लगाना चाहें तो खुश्क करके दोबारा इसके ऊपर फिटिंग कर सकते हैं। चारों तरफ आप इसे सर्फ के साथ बाहर से धोना चाहें तो धो सकते हैं। हाँ, अगर सर्विस करते वक्त आपने पानी नहीं लगाना तो इस तरफ नहीं लगाना, जैसे ये सामने फ़ैन मोटर है इसको ऐसे सामने से पानी नहीं लगाना, क्योंकि इधर आप पानी लगाएंगे ये देखिए ऊपर फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर पानी लगेगा तो ये फ़ैन जो है ऐसे घूमेगा, जब ऐसे घूमता है ये पानी इसके ऊपर ला के सीधा किट के ऊपर जाने का अंदेशा होता है। तो आपको इस तरह सामने पानी लगाने की ज़रूरत, लगाना है तो आप सर्फ के साथ आसानी के साथ इजीली इसे वाश करें तो फिर ऊपर से पानी लगाएंगे नीचे गिर जाएगा। इसकी मोटर आप देख लें वाटरप्रूफ है वाटरप्रूफ नहीं है, ये देखें ये मोटर वाटरप्रूफ नहीं है। डीसी मोटर अगर हो ना तो वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है वाटरप्रूफ, तो उसे कवर करने की ज़रूरत नहीं। इस मोटर को आप कवर कर लें तो बेहतर है, और सबसे बेहतर यही आप फ़ैन ना ही वाश करें तो बेहतर है। अगर फ़ैन वाश ना हो तो इससे कुछ भी नहीं होता, आपका एसी कूलिंग अच्छा करता है। असल चीज़ ये जालियाँ जो होती है इसको वाश होना चाहिए, ये देखें पीछे से इन जालियों को वाश होना चाहिए जिन्होंने काम करना है, और उन चीज़ों ने तो सिर्फ वहाँ पर नहीं है तो वो अपना काम करते रहते हैं। जी ये तो तरीका था इसको ओपन करके पीसी बोर्ड को कवर करके वाश करने का तरीका। अगर आप इसी तरह वाश करें आउटडोर को तो ये सबसे बेहतर है, इसलिए इसके अंदर पानी पीसी बोर्ड की किट के अंदर पानी जाने का अंदेशा बहुत ही कम होता है, बिल्कुल यही समझो 0% हो जाता है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाता। तो अगर आप ओपन करने की करके सर्विस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है पीसी बोर्ड में पानी जाने का, तो आपको शापर लगाना पड़ेगा, बहुत सारी एहतियातें करनी पड़ेंगी। इसी हालत में अगर आप वाश करें तो आपको बहुत ही कम एहतियातें भी करनी पड़ेगी, और इससे ये भी होगा भी आपका आउटडोर भी वाश हो जाएगा और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसे ओपन करने की। तो अगर बात की जाए इस हालत में वाश करने की तो ये देखें इसको इस तरह बंद रहने दें, बंद हालत में इसको इसी तरह आप जालियों को वाश करेंगे, देखें ऊपर से पानी लगाएंगे पूरी जालियों में नीचे होता हुआ या नीचे गिरेगा, जिधर सुराख होता है नीचे एसी का इधर से निकलेगा। तो ये पूरा आउटडोर आपका इसी तरह आप आराम से वाश कर लेंगे, देखें इसी तरह पीछे से आप पानी लगाएंगे, ऊपर पानी लगाएं, नीचे से पानी पूरा निकलते हुए कचरा भी बाहर जाएगा, यह पूरा आउटडोर आप इसी तरह वाश कर लें तो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं। इसी तरह इतने ही प्रेशर में आप वाश करेंगे तो आप में आपके एसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छे तरीके से चलेगा और आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो आखिर में आप ये ऊपर ऐसे भी पानी लगा लें तो फिर खर्च कोई नहीं होता, इसलिए खर्च कोई नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल पैक है, इसके अंदर पानी नहीं जाता पीसी बोर्ड के अंदर। आप बाहर से पूरा आउटडोर पूरे आउटडोर को सर्फ के साथ पानी के साथ अच्छे तरीके से वाश कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल के साथ नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।